आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी सजेशन हमें दी है शुभम ने, और वीडियो का टाइटल है फेरी क्वीन जर्नी स्टीम इंजन 2 कोचेस ओनली। वेल देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो में चैनल का विजुअल लिंक जो है आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर के फॉलो करेंगे चैनल को, उसके लगे चैनल का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर का फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। हर बार हर ब्लॉग में हम लोग स्टार्टिंग कैसे करते हैं ब्लॉग की ट्रेन की इंफॉर्मेशन के साथ, लेकिन आज बहुत कुछ स्पेशल है, जैसे कि ये लोकोमोटिव फेरी क्वीन। तो आज हम लोग ये ब्लॉग स्टार्ट करेंगे इस लोकोमोटिव की इंफॉर्मेशन के साथ। और भाई यकीन मानो काफी बेहतरीन जो है इसकी हिस्ट्री है। तो आइए एक बार हिस्ट्री पे थोड़ी नजर डाल लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद शुरू करेंगे हम ये एक बेहतरीन यादगार जर्नी #। इंडियन खूबसूरत रेलवेज। अब सबसे पहले बात कर लें ये लोकोमोटिव इंडिया में आया कहाँ से। तो इन ईयर 1855 इसको इंग्लैंड से इंपोर्ट कराया गया, उसके बाद ये पहुंचा कोलकाता, जहां पर इसके अराइवल पे इसको एक नंबर दिया गया जो कि था 22। और उसके बाद ये लोकोमोटिव जाना जाने लगा एज ईस्ट इंडियन रेलवे 22 के नाम से भी। और करीब हावड़ा से रानीगंज के बीच इसने 2 साल मेल एक्सप्रेस टाइप की लाइट ट्रेन जो है हॉल करी। उसके बाद बिहार में लाइन कंस्ट्रक्शन ड्यूटी के लिए इसको यूज करा जाने लगा, लेकिन ये यूज भी जो है 1909 तक ही हुआ। उसके बाद इसको रिटायर कर दिया गया और फिर 1997 में इसको दोबारा चलाया गया दिल्ली अलवर के रूट पर। और करीब 1 साल बाद ही इन ईयर 1998 इस लोकोमोटिव को जो है सर्टिफाइड किया गया बाय द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स एज द ओल्डेस्ट स्टीम लोकोमोटिव इन रेगुलर ऑपरेशन। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु हेयर एंड वेलकम टू दिस चैनल ट्रेन लवर्स HY। तो आज जो है एक बहुत ही ऐतिहासिक जर्नी करने वाले हैं हम इस फेरी क्वीन में। तो जो है अब देखते हैं कि कैसा हम लोगों का जो है यहाँ पर भव्य स्वागत होता है, क्योंकि माहौल तो बेहतरीन बनने वाला है और आप और हम साथ में हैं, हम सफ़र साथ में हैं, तो फिर किस बात की चिंता है ना। तो शुरू करते हैं ये एक और हिस्टोरिक जर्नी। तो यहाँ पर आप जैसे पीछे देख रहे हैं फेरी क्वीन लोकोमोटिव ट्रेन स्टीम एक्सप्रेस बिल्कुल रेडी है यहाँ से डिपार्चर लेने के लिए। और ट्रायल्स वगैरह हो गए हैं, लोकोमोटिव टेस्ट हो गया है, बिल्कुल ओके है चलने के लिए। तो बस थोड़ी देर में ही यहाँ से हम डिपार्चर लेंगे। और लोकोमोटिव की बात करें तो इसकी मैक्सिमम स्पीड है करीब 40 किलोमीटर पर आवर की। 2 कोचेस मिलेंगे आपको इसमें, जिसमें एक है पेंट्री और दूसरा कोच जिसमें की कैपेसिटी है पैसेंजर्स की ओनली 60 पैसेंजर्स पर कोच। तो यहाँ पर जो मैंने आपको पेंट्री कार बताई भाई, वो इस वाले पैकेज में नहीं रहती, वो पहले अलवर वाला जो पैकेज था जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था तो उसमें रहती थी पेंट्री, इस वाले में नहीं है और वो वाला पैकेज जो है बंद भी कर दिया गया है। तो 2 कोचेस हैं, तो चलिए आपको दोनों का एक बार मैं फटाफट इंटीरियर और दिखा दूँ कैसा इंटीरियर है यहाँ पर हमारी फेरी क्वीन एक्सप्रेस का। तो चलिए पहले चलते हैं फर्स्ट कोच के अंदर। तो यहाँ पर लिखा NR नॉर्दर्न रेलवे। यहाँ एंटर करते ही आपको जो है लोकोमोटिव का नज़ारा देखने को मिलेगा और बढ़िया कुशनिंग वगैरह यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर टेबल और सिटिंग टाइप जो है इसमें सिटिंग अरेंजमेंट है। इंटीरियर काफ़ी बेहतरीन, यहाँ पर मैट वगैरह भी बिछाया गया है और काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में इंटीरियर। तो हम आगे चलें तो टॉयलेट्स और देख लें, क्योंकि भाई जर्नी है टॉयलेट की ज़रूरत तो पड़ती ही हमको। तो ये रहा टॉयलेट,
बढ़िया है ना भाई, मजा आ रहा है ना, अभी तो स्टार्ट है यार। ये रहा साबुन वगैरह सब, लक्स साबुन रखा है कि कौन सा है ये, और टॉयलेट वगैरह भी एकदम साफ, टिश्यू पेपर, पंखा भी है कि गर्मियों में दिक्कत ना आए। बढ़ते हैं अपने दूसरे कोच की तरफ। तो पहले जैसे ना था अलवर वाले रूट में, इसमें पेंट्री के लिए ये दूसरा कोच था, यहाँ पर कुछ पेंट्री वगैरह का सामान है। और अब आगे बढ़ते हुए तो यहाँ पर स्टाफ के लिए सिटिंग अरेंजमेंट है, और आगे जो है जनरेटर वगैरह रखा गया है जिससे कि इन कोचेस की इलेक्ट्रिसिटी जो है आती है। ये रहा जनरेटर, और अब ये आखिरी में है आप हैं, गार्ड केबिन है यहाँ पर छोटा सा, और उसके बाद जैसा फ्रंट में था पहले कोच में उसी की तरह यहाँ पर भी है, और आप यहाँ से व्यू एंजॉय कर सकते हैं पूरा एंड का। अब बारी है दुनिया का सबसे पुराना वर्किंग लोकोमोटिव अंदर से देखने की, तो चलिए अब देखते हैं अंदर से कैसा है ये फेयरी क्वीन लोकोमोटिव। ये वाला ये क्या समझ नहीं लग रही है ना, तो यहाँ पर जो है बस अभी डबल डेकर क्रॉस हो रही है जैसा आप देखें, तो बस अब डबल डेकर क्रॉस करने के बाद टाइम है हमारे यहाँ से डिपार्चर का। बस अब सीधे आपसे पक्का मैं डिपार्चर पे मिलूंगा, जब से काफी देर हो गई, लेकिन क्या करें भाई, इन्फॉर्मेशन देना बहुत जरूरी है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए जब भी आप इसमें ट्रेवल कर रहे हैं, नहीं तो आप कहेंगे भाई आधी अधूरी आपने जानकारी दी, तो वो नहीं, सब कुछ कम्प्लीट। और डिपार्चर तो हो गया है, और यहाँ पर जो है स्टीम इंजन आगे चल रहा है, और यहाँ पर पानी की बौछार आ रही है कुछ स्प्रिंकल टाइप का, काफी बेहतरीन लग रहा है भाई, ये भी चीज अलग ही एक्सपीरियंस है, अगर अभी तक ट्राई नहीं किया तो एक बार जरूर इसको एक्सपीरियंस करिए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा ये आपके लिए। जर्नी के दौरान भी आइए एक रेलवे स्टेशन का स्किप भी देख लेते हैं, और हमारा फेयरी क्वीन काफी बेहतर जो है मजा देते हुए, देखिए आवाज भी लगा दी उसने, तो चलिए स्किप भी देखते हैं एक स्टेशन का। एयरपोर्ट का भी नजारा आपको देखने को मिलता है, जूम करके देखें,
चीट होने के बाद भी एज इट इज जैसे और जर्नी में करते हैं भाई, गेट पे निकलती है पूरी जर्नी, तो यहाँ पर भी वही हो रहा है। और ज़्यादा मैंने म्यूज़िक लगाया नहीं क्योंकि जो ये आवाज़ है ना स्टीम लोकोमोटिव की, वो बार बार नहीं मिलती भाई, तो इसलिए बिना म्यूज़िक का ब्लॉग थोड़ा बहुत लंबा हो सकता है भाई, लेकिन मज़ा लीजिए भाई, चुक 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 का अलग ही मज़ा है। यहाँ पर जो है बाहर से अगर आप शूट करते हैं, बाहर निकलते हैं गेट से, गेट पे खड़े होके, तो कोयले के कुछ जो है पार्टिकल्स वगैरह उड़ेंगे जो आपकी स्किन पे लग जाएंगे और ब्लैक ब्लैक हो जाएगा, तो ये एक चीज़ आपको देखनी है कि मतलब आप गेट पे खड़े हो रहे हैं तो ये तो जाहिर सी बात है कि लगेगी आपके मुँह पे, मेरे भी लग गई। तो यहाँ पर अब इस स्टेशन पर, इस रेलवे स्टेशन पर इस स्टीम लोकोमोटिव की जो है फ्यूल भरा जाएगा, जो कि इसका फ्यूल है पानी, तो पानी भरा जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे फ्यूल भरा जा रहा है इस स्टीम लोकोमोटिव में। तो चलिए अब फ्यूलिंग तो हो गई है और अब हम बिल्कुल तैयार हैं डिपार्चर के लिए। चलिए डिपार्चर देखते हैं अब यहाँ से। जो है इस स्टीम ट्रेन में हम दो ही पैसेंजर ट्रेवल कर रहे हैं, एक तो मैं और मेरे साथ एक दीदी ट्रेवल कर रहे हैं, तो आइए इनसे जानते हैं इनका क्या व्यू है इस ट्रेन को लेकर। वैसे तो पैसेंजर्स ही नहीं है तो अब इनसे ही व्यू ले लेते हैं कैसा क्या है। बताइए। मेरा नाम नंदिता है और मैं पहली बार इस ट्रेन पे चढ़ी हूँ। जैसा कि आपने बताया हम दो ही हैं पैसेंजर्स। ट्रेन तो बहुत ही सुंदर है और ये एक मौका है हम जैसे लोगों के लिए जिनको हिस्ट्री और विंटेज के बारे में अच्छा लगता है पढ़ना, देखना, एक्सपीरियंस करना, ये अनुभव बहुत ही अच्छा है। पर आई थिंक IRCTC को, रेलवेज को इसको और अच्छी तरह से एडवर्टाइज करना चाहिए। IRCTC के ऐप पे नहीं है ना? नहीं, ऐप पे बिल्कुल नहीं है। टूरिज्म पे है पर उसमें भी जैसे मैंने दो दिन पहले ट्राई किया और भी कुछ फ्रेंड्स और अपनी फैमिली को भी लेके आऊँ, लेकिन उसमें ये डेट ही नहीं था। अब मार्च का डेट जबकि खाली ट्रेन है और आई थिंक थोड़ी और से सुविधा है, जैसे अगर ये पैंट्री होता या कुछ ऑन परचेज ऑन बोर्ड भी होता तो अच्छा रहता, कुछ सुविनियर्स होते, बट अदरवाइज स्टाफ बहुत अच्छे हैं, बहुत ही विनम्र है, बहुत इंटरेस्ट लेकर के उन्होंने हमें दिखाया ये ट्रेन के बारे में, बताया भी है ट्रेन के बारे में। ट्रेन से नज़ारा बहुत सुंदर दिखता है, ये जो लाउंज है ये बहुत ही अच्छा है, तो बहुत ही रिलैक्सिंग जर्नी है। AC फर्स्ट क्लास जैसा जो है केबिन मिल जाएगा जिसमें अभी हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं। और स्टाफ मतलब इतना अच्छा है कि आप जैसे ब्लॉगर हैं या आप ब्लॉग वगैरह बनाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जैसे और ट्रेन में आजकल काफी देखने को मिल रही है कि परमिशन एंड ऑल, तो वो सब इसमें नहीं आएगी, बहुत आराम से आप ब्लॉगिंग कर सकते हो, एकदम फ्रीली भी देते हैं। बहुत कंफर्टेबल हमें फील कराया, बताया सारे स्टॉप्स के बारे में भी बताया, फोटो वोटो खींचने के लिए भी कोई मना ही नहीं है, तो एक बहुत ही अच्छा मौका है अपनी हिस्ट्री को जानने का, रेलवेज की हिस्ट्री को जानने का और एक उसका अनुभव लेने का, मुझे लगता है बहुत ही अच्छा अनुभव है आज। बस ये है कि जो अमाउंट है, जो टिकट अमाउंट है, उसमें कुछ ब्रेकफास्ट समथिंग कुछ ऐड हो जाता तो और बढ़िया रहता, क्योंकि जर्नी क्या थोड़ी सी बोर भी हो जाती है कभी कभी ऐसी ट्रेन में, क्योंकि धीमे धीमे चलती है ना, इसलिए तो बस वो एक थोड़ी सी कमी रह गई, बाकी बहुत बढ़िया ट्रेन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आपको ट्रेन के बारे में पूरी डिटेल्स दे दूं एक बार कि कैसे बुक करना है, कैसे शेड्यूल है और कैसे आप इसमें ट्रेवल
कर सकते हैं। तो आपको बता दूं ये IRCTC टूरिज्म वाली साइट से जो है बुक करी जाएगी, और ये ट्रेन चलती है अक्टूबर से लेके मार्च के बीच हर सेकंड सैटरडे को, और इसकी जो कॉस्ट आएगी ये चलती है दिल्ली रेवाड़ी और रेवाड़ी से वापस दिल्ली। राउंड ट्रिप लेंगे तो एक एडल्ट का आपको चार्ज पड़ेगा 6,800, और अगर आप वन वे ट्रिप लेंगे जैसे कि मैं ले रहा हूँ आज दिल्ली से रेवाड़ी के बीच, तो वो है 3,400 रुपये। और अगर बात करें टाइमिंग्स की तो आपको बता दूं ये ट्रेन जो है दिल्ली के कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन से जाती है जिसका स्टेशन कोड है DEC, और यहाँ पर आपको 9:30 बजे आके रिपोर्टिंग करना है करीब डिपार्चर के एक घंटे पहले, और 10:30 बजे जो है ट्रेन यहाँ से डिपार्ट होगी और 1 बजे के लगभग हम पहुँच जाएंगे रेवाड़ी। उसके बाद 4 बजे करीब वहाँ से वापस डिपार्ट होती है रेवाड़ी से दिल्ली के लिए, और 6 बजे के लगभग हम पहुँच जाएंगे वापस दिल्ली कैंट। और जो मैंने आपको फेयर बताया उसमें स्टीम लोको शेड जो रेवाड़ी में है उसका जो है फेयर वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड है, तो आप बस यहाँ से जाइए और उसके बाद उस हेरिटेज म्यूजियम का भी मज़ा लीजिए। तो अब इसके बाद नेक्स्ट ब्लॉग जो है उसी का आने वाला है। तो ये आ गए हम रेवाड़ी जंक्शन, स्टेशन कोड है RE। और एक और बात जो आपको ध्यान रखनी है इस जर्नी के दौरान, जैसे आप राउंड ट्रिप लेते हैं तो रेवाड़ी से दिल्ली के बीच में भी इस पे जो है डीजल लोकोमोटिव लगाया जाए और स्टीम लोकोमोटिव का आप मज़ा ना ले पाए, तो आप देख लीजिए जो भी जैसा भी हो। और मैंने प्राइसेस आपको बताई थी, सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस ब्लॉग। मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक और जर्नी में, और कैसा लगा ये ब्लॉग कुछ स्पेशल था कमेंट में ज़रूर बताएं। वो मिलते ही रहते हैं भाई किसी ना किसी जर्नी में, और इंस्टाग्राम पे नहीं आए अभी तक, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आ जाइए ट्रेन लवर्स HY इंस्टा ID, वहाँ भी बातचीत होती रहेगी। तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, एंड कमेंट में बिल्कुल मत बताना भूलना भाई कैसा लगा है। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट। दिस इज Himanshu सेइंग बाय फ्रॉम रेवाड़ी जंक्शन। जब हम रेलवे को देखते हैं ना तो समटाइम्स आखिर मेरे जहन में ये ख्याल भी आते हैं कि जब ये स्टीम इंजन चलते होंगे तब एक कैसा सीन रहता होगा, क्योंकि लगभग स्टीम इंजन जो है वो एक तो धुआं बहुत छोड़ते हैं, फिर जब दो स्टीम इंजन की क्रॉसिंग होती है किसी स्टेशन से तो कितना वो एक अलग से एक्सपीरियंस रहता होगा। भाई मैं इतना नहीं सोची ट्रेन के बारे में क्योंकि मौसम को तो शौक है बहुत ज्यादा, बट ये कि हाँ आपको अच्छा जरूर लगता है ऐसी ट्रेन में ट्रैवल करने का, क्योंकि अगर मैं सोच रही थी मौसम 1855 में लाया गया था तो मतलब अगर देखा 150 साल तकरीबन इसको हो गए हैं। हाँ, और इतने पुराने मैं कहूंगी कि इंजन को संभाल के रखना और अभी तक मतलब उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इंडिया में ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं कि सिर्फ देखो आपको ट्रेन्स नहीं, आपको बिल्डिंग्स हर चीज जो पुराने से पुरानी भी है वो आपको नजर आती है। बट एक चीज हाँ मुझे लगा कि एक तो इसका फेयर बहुत ज्यादा है और दूसरा वाकई में कुछ ऐड होना चाहिए खाने में, क्योंकि जिस लिहाज से यू नो आप 6,000 अगर आने जाने का पे कर रहे हो या एक साइड का भी अगर आप 3,000 पे कर रहे हो तो आई मीन ऑनेस्टली बोलूं तो दुखेगा भैया, आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो वैसे ये चीज है कि क्या नाम बोलते हैं ट्रेन में एक अगर टिकट इतनी ज्यादा हो ना और फिर अगर आपको खाने को ना मिले तो आपको दुख होता है कि यार क्या नाम लेते हैं एक इतनी महंगी टिकट ली और फिर पैसेंजर भी इतने ज्यादा नहीं, फिर इसके बाद खाने को भी कुछ नहीं। वैसे जितनी टिकट है ना और जितने लोग थे आज बहुत मुश्किल उनकी प्राइस भी नहीं पूरी हुई होनी। ये तो मैं मानती हूँ, बट जैसे कि उन्होंने बोला है कि मतलब इसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जाए वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितनी आप प्रमोशन करेंगे लोगों तक लोगों को पता चलेगा इसके बारे में। क्योंकि इससे पहले भी हम लोगों ने काफी सारी ऐसी वीडियोस देखी हैं ट्रेन जर्नी की मौसम, जहां पर हम लोग जो स्पेशली जैसे हम लोग टॉय ट्रेन की बात कर लें, ठीक है, फिर हम लोगों ने भी रिसेंटली विस्टाडोम देखी जो कि काफी पुरानी भी थी वो भी। तो अगर देखा जाए तो उन कोचेज में कितने लोग जो वो ट्रैवल कर रहे थे और साथ में लोग खाने पीने का भी आनंद ले रहे थे, मतलब वो खुद लेकर आए थे बेसिकली। वो उन्होंने बीच में बताया भी ना कि ये टूरिज्म वेबसाइट पर जो है आपको तो ट्रेन मिल जाएगी, लेकिन अगर बात की जाए वहां पर IRCTC जो है उसके आपके वेबसाइट पर नहीं मिलेगी। तो मेरा ख्याल है कि वहां पे हो तो काफी ज्यादा लोग जो है वो इसका आनंद ले सकेंगे। वैसे मैं अगर पहले लोकोमोटिव की बात करूँ तो मुझे इसका कलर बहुत अच्छा लगा है। वैसे तो ये रेनोवेट किया गया होगा क्योंकि इतना पुराना इंजन है तो उसकी ओवरहॉलिंग की गई होगी, तो वो जो है अब दोबारा से जो है इस्तेमाल में है। लेकिन जो है ना स्टीम लोकोमोटिव होने चाहिए, यानी कि चलने उस तरह नहीं चाहिए क्योंकि भैया अब उनकी वो पावर वो नहीं रही जो उस जमाने में होती थी। उस जमाने में बोगियां भी दूसरी होती थी, लेकिन अगर आपके जमाने के हिसाब से देखा जाए ना टूरिज्म पर्पज के लिए जो है ना होने चाहिए, बिल्कुल होने
होने चाहिए और मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती इनकी बोगियां, यानी कि जो पुरानी हमने जो देखी थी मौसम उस टाइम पर भी और ये जो आज वाली भी है मुझे ना बड़ी खूबसूरत थी, मतलब ये होती छोटी छोटी सी है लेकिन जो इनका इंटीरियर है वो बड़ा खूबसूरत होता है। नहीं ये वाली अगर बोगी की बात करें तो ये तो इंडिया में जो आम यूज होती है बोगी उसे, लेकिन थोड़ी बहुत चेंजिंग इसमें की गई हुई है, इसे एंटर होता है और राइट साइड पर ऐसा सोफा बनाया हुआ, वही ना इसे जरा वो चेंजिंग की गई है ना। अभी तक ट्रेन जर्नीज देखी ना हमने, ऐसे नहीं देखा कि किसी में ऐसे सीटिंग थी, वैसे मेरा ख्याल मैंने भी नहीं देखी इस तरह की, मैंने भी नहीं देखी, मैं सोच रहा था कि शायद ये देखी हो लेकिन नहीं देखी। बाकी सीट्स तो ठीक है वो तो पता है कि इस तरह से सब लोग बैठते हैं, बट जो ऐसे यू नो एक लाउंज टाइप बना हुआ है ना वो वाला पोर्शन हम लोगों ने कभी भी बिल्कुल। और वैसे मैं यहाँ पे एक बात करना चाहूंगा जो इन्हें बिल्कुल नहीं पता, तो पाकिस्तान में भी स्टीम सफारी चलती है अभी भी। हाँ मौसम में मुझे कभी लेकर क्यों नहीं गए यार, क्योंकि आप जाती नहीं है। मैं चाहूंगी बताओ कहाँ पर, पिंडी से अटक तक जाती है। पिंडी से अटक? हाँ अटक, पिंडी से अटक तक जाती है। ओके चले जाएंगे भाई, क्या चले जाएंगे भाई, डोंट वरी, मैं जाऊंगी बहुत शौक है। अच्छा और उसमें कितनी बोगियां होती हैं? उसमें तकरीबन 4-5 होती हैं। अच्छा। वो ये वाला स्टीम लोकोमोटिव नहीं, वो जो उसके बाद की जो जनरेशन आई है ना वो थोड़ा बड़ा स्टीम लोकोमोटिव है। चलो मुझे नहीं पता, लेकिन खैर हम लोग वाकई में काले धुएं वाला सकते हैं, कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे मुंह पे वैसे कुछ डाल कर ही जाएंगे क्योंकि जब हम लोग लेकिन जो है ना उस स्टीम लोकोमोटिव के बारे में जहां तक इनके सॉरी स्पाइरल ट्रेन के बारे में सुना है कि रास्ते में जो जगहें आती हैं ना जैसे हसन अब्दाल आता है तो वहां पे भी वो जो है विजिट करवाते हैं, फिर अटक में भी जो है विजिट करवाते हैं। मैंने बताया था आपको आदमी, जब हम लोग लास्ट टाइम पर गए थे इस्लामाबाद तुमने मुझे नहीं बताया, इस चीज का जिक्र भी नहीं किया। पता नहीं मैंने तो वैसे अपनी तरह जिक्र किया था। और वैसे तो क्या नाम लेते हैं पिंडी से अटक तक की टिकट 200-250 है, लेकिन सफारी ट्रेन की जो है वो 1000 रुपया इकोनॉमी क्लास की है और 3000 रुपया एसी क्लास की है। खाने को भी कुछ मिलेगा उसमें? हवा तो वैसे भी नहीं मिलता यहाँ पर, आम ट्रेन हवा हवा। ठीक है वी विल प्लान, ठीक है क्योंकि मुझे भी वाकई में मजा आएगा ये देखने का। आई थिंक एक दिन का ट्रिप हो सकता है हमारा। हाँ एक दिन का ट्रिप हो सकता है। अच्छा मुझे जो है ना वो उस फाइव ट्रेन की एक चीज भी बड़ी अच्छी लगती है कि उसकी जो बोगी है ना उसका जो स्टाइल डिजाइन किया गया, वो पुराना जो चलता था ना वो वाला डिजाइन किया गया है। नहीं मैंने उसे बड़ी वीडियो से की उसकी, कभी मुझे आज तक नहीं बताया कि ऐसी। यार अब आपका इंटरेस्ट ही नहीं, मैं क्या बताता। तो बताओगे तो इन्फॉर्मेशन तो शेयर बंदा कर सकते हैं। मैंने अब देख लेना। इतना टिपिकल मेंटालिटी ढीटो वाली ना कि भाई मैं गलत नहीं हो सकता, आप भी गलत क्या करे हो गया बेटा। शुरू से ही ऐसे हैं यहाँ पर हमारे। एनीवे गाइस ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो मुझे वैसे प्राइस जो टिकट प्राइस है उसके अलावा तो मुझे सब कुछ सही लगा है। हाँ। अगर इसमें क्योंकि हम लोग नॉर्मली जो जर्नीज देखते हैं ना उसमें ऐसा होता है कि खाना जो है वो हमेशा आपको मिलता है, मतलब ब्रेकफास्ट मिलता है, लंच मिलता है और कुछ बहुत कुछ चीजें होती है इसमें, वैरायटी होती है। तो आई थिंक उस लिहाज से देखा जाए तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव थोड़ा कॉस्टली चला जाता है, बट आई थिंक मोर देन जो ऐसे टूरिज्म को प्रमोट करने वाले जो हम कहेंगे कि लाइक ट्रेन्स चलाई जाती हैं, कोई भी ऐसी कैंपेन चलाई जाती है वो थोड़ा सा कॉस्टली तो होता है। वैसे एक और चीज में लगता है कि इस ट्रेन में जब आप सफर करते होंगे ना, यानी कि इन्होंने दिल्ली से जो रेवाड़ी का सफर किया है काफी ज्यादा लंबा सफर लगता होगा, क्योंकि इन ऑर्डर वो तेज ट्रेनों की आदत पड़ी होती है ना जो भागती जाती है, तो वो जो है फिर फर्क महसूस होता है। फिर उसके बाद सीटी की बात करें जो विसल इसकी होती है वो भी बहुत मजा आता है। मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे ना पुरानी मूवीज वाला टाइम जो है ना वो आप उसमें कहीं पर चले गए, जो उसकी आवाज थी ना सीटी की, क्योंकि इससे पहले भी हाँ बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले अगर हम बात करें ना जो टॉय ट्रेन थी अब तो खैर उनमें भी स्टीम लोकोमोटिव उस तरह इस्तेमाल नहीं होते, अभी उनमें भी डीजल वाले देखने को मिलते हैं, लेकिन पुरानी अगर हम देखें तो स्टीम लोकोमोटिव उनमें भी मिलते थे। तो स्टीम लोकोमोटिव का रुझान एक तरह का खत्म ही हो गया हुआ है, बहुत कम मुल्क हैं जो अब टूरिज्म पर्पस के लिए स्टीम लोकोमोटिव इस्तेमाल करते हैं। अगर हम लोग देखें वैसे राधे श्याम मूवी में भी तो हम लोगों ने देखा था उसमें भी, लेकिन वो स्टेशन में अब लाजमी बात है वो तो बनाई उस जमाने की मूवी थी, उसमें अगर वो डीजल इंजन लगा देते तो फिर तो वो सीन सबसे बड़ा ब्लंडर होता ना। दीवार को टकरे मारने वाली साहब है ना, यार, ना बात किस कॉन्टेक्स्ट में कर रही होती है ये पता नहीं क्या बीच में लेकर आ जाता है। मैं इसको ये बता रही हूँ
कि भाई साहब उस वाले में भी हम लोगों ने देखा था, और बॉस क्योंकि इसने बोला कि बहुत सारी कंट्रीज में रहता है। बट खैर एनी वे, जो मैं बात करना चाह रही थी वो इसने ऐसा उलझाया ना कि मैं भूल गई हूँ कि मुझे क्या बोलना ये था। आर्ट बहुत कम लोगों को और खैर मुझे याद आ गया, चलो ज्यादा खुश ना। और अच्छा मैं पूछना ये चाह रही थी कि ये जो धुआं होता है, हाँ। ये धुआं काफी नुकसानदेह होता है क्या, मतलब फिजा के लिए, हवा के लिए? ये जरूर मेरा तो ख्याल है होता होगा, क्योंकि जो ब्लैक वाला वो ज्यादा था क्योंकि व्हाइट वाला तो स्टीम ही लग रही थी। स्टीम लग रही थी बट खैर आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी इसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है कि स्टीम इंजन का क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से उसको चलाया जाता है। क्योंकि हम लोगों ने जो मूवीज की हद तक देखा उसमें तो बस ऐसा होता है ईंधन डालते जाओ और वो गाड़ी जो है वो चलती रहती है, मतलब ज्यादातर तो यही देखा ना मुझे, मैंने नहीं देखा ईंधन डालते जाओ। हाँ। कोयला नहीं डालना, ईंधन डालते जाओ तो कोयला भी तो ईंधन ही होता है। हाँ सही कह रहे। सो गाइस ये तो थी हमारी आज की वीडियो, ये मुझे पागल कर देगा वरना तो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आप में से किस किस को इस ट्रेन के बारे में पता था जरूर बताइएगा, और कौन कौन ट्रैवल करना चाहता है ये भी जरूर बताइएगा, और क्या आपको लगता है कि टिकट प्राइस जो है वो ज्यादा है या ठीक है, टूरिज्म के लिहाज से सही रखी हुई है, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ हमें इजाजत, हमारी वीडियो लाइक सब्सक्राइब शेयर। गुड बाय।